टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप लोग का स्वागत है। मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो नया इलेक्ट्रिशियन है, जो नया इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए ये मैं बताने वाला हूँ। आप देखिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये टेस्टर चाहिए। ये टेस्टर जो होना जरूरी है, इसलिए ये अपना अपना लाइन वोल्टेज चेक करना हो, लाइन फेस है नहीं है, इससे ये चेक किया जाता है। और उसके बाद देखिए, ये हम लोग पकड़ भी बोलते हैं, प्लस भी बोलते हैं। देखिए, आपका भाषा में जो आपको आसान लगे वो समझ लीजिएगा। तो उसके बाद इसमें आपको ये प्लस भी जरूरी है, ये स्क्रू ड्राइवर, ये आपका बोर्ड खोलने ही लगाने को काम भी आता है। और उसके बाद ये देखिए, तार छीलने वीलने के लिए ऐसा आता है, ये आप ले सकते हैं। ये भी जरूरी है तार छीलने के लिए, ये प्लस से भी छील सकते हैं, ऐसा है नहीं। और उसके बाद एक ब्लेड चाकू है, इसमें तार वार छीलने को काटने को काम पे आता है। तो एक आप मेजरमेंट के लिए एक आपको टेप भी होना जरूरी है, काम करने का मेजरमेंट जरूरी है, कितना हाइट में बोर्ड लगाना है, क्या करना है, ये भी जरूरी है। तो आपको मेन बात दोस्त, आप जब इलेक्ट्रिक का काम करते हो तो आपका ड्रिल मशीन होना जरूरी है। ये देखिए, मैंने एक ड्रिल मशीन ये भी ले लिया हूँ। और आपको इलेक्ट्रिशियन कैसिंग पट्टी भी होता है एक, और आपको एक होता है कंसील भी होता है। कंसील के लिए आपको झिरी का निकालने का जरूरी है, आपको झिरी निकालना है के लिए आपको एक ग्राइंडर मशीन भी होना चाहिए। देखिए, ये मैं ये ऐसा एक ग्राइंडर मशीन भी आपका जरूरी है ये। और उसके बाद देखिए, झिरी निकालने पर तो आपको झिरी तोड़ने के लिए एक ये भी लगता है, ये भी आपका जरूरी है। और ये हथौड़ा भी लगता है, देखिए, तोड़ने के लिए, खिल्ला ठोकने के लिए, झिरी के लिए, और ऐसे खिल्ला विल्ला मारने के लिए, ये इम्पोर्टेंट, ये भी जरूरी है, ये भी लगता है आपको। और दोस्त, ये आपका ड्रिल के लिए, देखिए अपना ड्रिल का हिसाब से आपको ड्रिल का बीट चाहिए। देखिए, ये अपना हिसाब से ले लीजिएगा, ये भी जरूरी है अपने लिए। और दीवार का होल्ड करने के लिए, वायर को इस साइड से उस साइड ले जाने के लिए आपका एक लंबा सा बीट भी चाहिए। देखिए, मैंने 12 mm के लिया हूँ, आप 12, 16, 14 जैसे आपका हिसाब से ले सकते हैं इसको भी। और झिरी काटने के लिए आपके लिए, और वॉल कट ब्लेड भी होना चाहिए, देखिए ऐसा ब्लेड ये भी होना चाहिए। देखिए, और आपका कैसिंग पट्टी हो कुछ भी काटने के लिए, आपका एक आरी भी होना चाहिए। ये छोटा साइज में भी आता है, बड़ा साइज में भी आता है, मैंने बड़ा साइज दोनों में आएगा, मैंने बड़ा साइज से लिया हूँ। और ये भी रहता अच्छा है, ये भी काम पे आता है दोस्त, और इतना कुछ खास नहीं है। इतना ऐसा टूल में आप अच्छा से आप काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन का, एक ही बैग में भर के एक जगह से दूसरा जगह ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और कभी भी सामान लीजिएगा, ओरिजिनल लीजिएगा, डुप्लीकेट यूज़ मत करिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक का काम करते हो। ये प्लस हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, कोई भी लोकल माल नहीं लेना, आपको अच्छा लेना है, अपना बजट में देखिए अच्छा लीजिए, आपका सेफ्टी का भी इशू रहता है इसमें। देखिए, मैंने ब्लैक डेकर का लिया हूँ ये ड्रिल, और मैंने ग्लेंडर भी ब्लैक डेकर का लिया हूँ, क्योंकि तो मेरा बजट का अंदर में ये ईजी था तो मैं ये ले लिया। आप अपना बजट के हिसाब से इससे महंगा भी परचेस कर सकते हैं, ऐसे सस्ता भी आता है, वो अपना हिसाब से ले सकते हैं। इतना ही सा दोस्त, इतना ही सा सामान है, इतना ही सा सामान में आप आसान से इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और कभी भी इलेक्ट्रिक का काम करिएगा, मेन लाइन ऑफ करके करिएगा, और आपका सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। ओके दोस्त, फिर ऐसे दूसरा वीडियो लेके मैं जल्दी आप लोग का पास आने आऊँगा, तब तक के लिए ओके बाय, गुड। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, देखिए आपको कैसा लगता है बताइए। ओके दोस्त, बाय।